जिस भी पर्सन को कोरोना वायरस होता है, जब कोई कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होता है, तो उस दिन से लेके जिस दिन उसको सिम्टम्स आते हैं, इन 2 दिनों में 5 से लेके 15 दिन तक का अंतर हो सकता है। समझ रहे हैं? अगर हमें कहा जा रहा है कि 81 केसेस आ गए हैं कोरोना वायरस की, इस बात का मतलब ये नहीं है कि आज की तारीख में 81 केसेस हैं। ये 81 केसेस वो लोग हैं जिन्हें 10-15 दिन पहले इन्फेक्शन हुआ था और आज ये बाहर निकल के आए हैं। आज की तारीख में इंडिया में कितने लोगों को कोरोना वायरस है ये किसी को नहीं पता है, और यही सबसे ज्यादा खतरनाक बात है। क्योंकि अगर इन्फेक्शन के दिन से सिम्टम्स आने तक 10 दिन लग रहे हैं, तो इस 10 दिन के दौरान वो बंदा जितने भी लोगों से कांटेक्ट में आएगा, वो सभी लोग कोरोना वायरस होने की रिस्क पे आ जाते हैं, हाई रिस्क पे। और जब कोरोना वायरस इटली में फैला, तो उनको ये सीखने में लग गया टाइम, और उनका हुआ है बहुत डैमेज। 2 हफ्ते पहले इटली में कोरोना वायरस के केसेस बाहर निकल के आए थे 322। असल में कितने थे हमें नहीं पता, लेकिन अभी पता चल जाएगा, क्योंकि 1 हफ्ते बाद कोरोना वायरस के इटली में केसेस निकल के आए 2500। असल में कितने होंगे हमें नहीं पता, ये हमें पता चलेगा अब 1 हफ्ते बाद। और अब 1 हफ्ते बाद यानी कि कल की तारीख में इटली में कोरोना वायरस के 10,500 केसेस नए निकल के आए हैं। इटली ने संडे को पूरा लोम्बार्डी लॉकडाउन कर दिया था, और मंडे को उन्होंने रियलाइज किया कि ये बहुत बड़ी गलती है, और उन्होंने पूरा इटली लॉकडाउन कर दिया है। और एक दिन भी यहाँ पे गाइस, एक दिन भी मिस्टेक करना यहाँ बहुत बड़ी गलती हो जा रही है। अगर चाइना ने 23 की जगह 22 को ही पूरा वुहान लॉकडाउन कर दिया होता, तो 20,000 कम केसेस वहां पे बनते, 20,000 कम। तो इटली, जो कि वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ सिस्टम है वर्ल्ड का, वो कोलैप्स कर गया है। इतने बेड्स ही नहीं है हॉस्पिटल में कि जो पेशेंट्स आ रहे हैं 10,000 उनको वहां पे इलाज किया जाए। Your health system, no matter how good, how efficient, how modern it is, sooner or later will collapse because the number of patients is too high for the resources we have. गाइस, कोरोना वायरस के फिलहाल डेटा ये कहता है कि जितने भी लोगों को कोरोना वायरस निकल के आ रहा है, उसमें से 20% लोगों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, 5% लोगों को आईसीयू में डालना पड़ता है, और 2.5% लोगों को वेंटिलेटर्स, आईसीयू में भी वेंटिलेटर्स पर रखना पड़ता है, और बहुत ही स्पेशल केयर देनी होती है। इतने स्पेशल ट्रीटमेंट की अनलिमिटेड स्पेस किसी कंट्री में नहीं है। हर कंट्री का हेल्थ सिस्टम एक लिमिट तक ही ऑपरेट कर सकता है, उसके बाद सिस्टम कोलैप्स कर जाता है, जो कि इटली में कर गया है। तो इटली में 10,000 से ज्यादा लोग जब हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, जगह नहीं बची है, वहां पे वॉर जैसी सिचुएशन चल रही है, यानी कि डॉक्टर्स को डिसाइड करना पड़ रहा है कि किसको जिंदा रखना है और किसको नहीं रखना है। अगर कोई बहुत ही बुढ़ा आदमी जिसके पास ऑलरेडी बहुत जिंदगी नहीं बची थी, तो उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है, और कोई जवान अगर आदमी है तो उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ये सिचुएशन आ गई है। और ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ इतनी डिटेल में, क्यों? ताकि हम इन देशों से सीख पाए। जिस भी कंट्री में अब तक कोरोना वायरस फैला है, हर कंट्री में कोरोना वायरस का सेम पैटर्न रहा है, सेम कर्व कोरोना वायरस ने फॉलो किया है। अमेरिका, स्पेन, ईरान, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अब इंडिया। जी हाँ, इंडिया में कोरोना वायरस का जो ग्राफ है, जो कर्व है, वो शुरू हो चुका है, शुरू हो चुका है, चाहे आपको मीडिया जो भी बता रही हो। अब हमारी यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसको बढ़ने से रोकें। हम उसको मिटा नहीं सकते हैं, हम उसको बढ़ने से रोक सकते हैं। गाइस, अगर हमें अपने देश को बचाना है, तो हमें आज और अभी एक्शन लेना होगा। गवर्नमेंट को नहीं, हमें एक्शन लेना होगा। देश हमसे बनता है, हम लोग हैं कम्युनिटी। गवर्नमेंट कैन ओनली डू सो मच। अगर आप और मैं आंखें बंद करके बैठे हैं और हम सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, तो गलती गवर्नमेंट की नहीं, गलती हमारी होगी। और गवर्नमेंट बेवकूफ नहीं है, गवर्नमेंट समझ चुकी है कि कितनी गंभीर सिचुएशन है, पर इतनी डिटेल में पब्लिक को समझाना पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट ने सारे सिस्टम्स बंद करना शुरू कर दिया है। दिल्ली में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में स्कूल्स बंद हो गए हैं, जिम बंद हो गए, नाइट क्लब्स बंद हो गए हैं, मॉल्स बंद हो गए हैं, और चांसेस हैं कि अगले 1 हफ्ते में और देश लॉकडाउन की तरफ बढ़ता जाएगा। कई जगह आपने सुना होगा कि यंग लोग जो हैं वो इस वायरस के रिस्क पे नहीं है, और ओल्डर लोग ही इस वायरस के रिस्क पे हैं। पर इस बात का कोई भी सेंस नहीं है सिचुएशन में। आप यंग हो या ओल्ड हो, इट्स जस्ट नॉट अबाउट यू, इट्स नॉट ओनली अबाउट यू, इट्स अबाउट मेनी अदर लाइव्स एज वेल। अगर आप यंग हैं, हो सकता है आप बाहर जाएं, हो सकता है आप कोरोना वायरस से इन्फेक्ट ना हो, पर आप उसके एक कैरियर बन जाए, आपके साथ कोरोना वायरस कहीं और ट्रांसपोर्ट हो जाए और उससे किसी और को कोरोना वायरस हो जाए। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू। देश बनता है गाइस कम्युनिटी से। गवर्नमेंट एक सिस्टम है, पर देश बनता है लोगों से, आपसे, मुझसे। और रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ गवर्नमेंट से ज्यादा हमारी है कि हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे इंश्योर करें कि हम बेवजह बाहर नहीं जा रहे हैं। कोई बहुत जरूरत हो रही है, बहुत जरूरत का काम है, बाहर जाए और पूरी एहतियात बरतें और सारी सावधानियां बरतें। लेकिन ऐसे गेड़ियां मारने बाहर नहीं जा रहे हैं, बेवजह भीड़ में नहीं जा रहे हैं,
कम से कम 10-15 दिन, अगर आज तक आपने लाइफ में ये सावधानी नहीं बरती है, इट्स नॉट नॉर्मल, आई अंडरस्टैंड, बट आज आज वो टाइम है जब हमें सुपर कॉन्शियस हो जाना होगा अपने एक्शंस को लेके, अपने बिहेवियर्स को लेके ऐसी सिचुएशन में। एक बार अपन और ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं, क्योंकि मुझे एक बहुत जरूरी बात आप लोग को समझानी है, और उसके बाद आई थिंक दैट वुड बी इनफ फॉर दिस वीडियो। एक बार और आखिरी हाँ। बात ये समझाना देना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी कारण इटली कोलैप्स कर गया है और हम भी इसको सकम कर सकते हैं अगर हम लोगों ने अभी एक्शन नहीं लिया तो। और वो बात ये है कि जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था, आप यूँ समझ लीजिए कि ये है इटली का हेल्थ केयर सिस्टम की कैपेबिलिटी, और ये है कोरोना वायरस के केसेस, ये है मेडिकल हेल्थ सिस्टम। तो इटली में क्योंकि वो लोग काबू नहीं कर पाए कोरोना वायरस पे, उन्होंने लॉकडाउन करने में टाइम लगा दिया, वो लोग सोशलाइज करते रहे, तो कोरोना वायरस बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, जो पिछला ग्राफ मैंने आप लोग को बताया था, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। यहां तक तो हॉस्पिटल्स देखभाल कर पा रहे थे लोगों की, क्योंकि कैपेबिलिटी यहां पे है और कोरोना वायरस यहां पे है, पर इतने पेशेंट आने लगे कि कोरोना वायरस इसको पार कर गया है, पार कर गया है। और ऊपर जितने भी अब पेशेंट्स आ रहे हैं, अब हॉस्पिटल्स की फट चुकी है, अब वहां पे जगह नहीं है, आईसीयू नहीं है, कॉरिडोर में पेशेंट्स की देखभाल की जा रही है, कॉरिडोर्स भी भर चुके हैं। यहां पे जाके इटली ने लॉकडाउन करा, कोरोना वायरस के केसेस आने होपफुली कम हो जाएंगे इसके बाद, और ये ग्राफ यहां नीचे जाएगा, और यहां पे जो तबाही मची है, यहां पे ये तबाही बिल्कुल रोकी जा सकती थी अगर ये लॉकडाउन यहां की जगह यहां हो जाता तो, कोरोना वायरस फैलता नहीं। इंडिया में वायरस शुरू हो चुका है, ग्राफ शुरू हो चुका है, और अभी यहां है, हमारे पास 80 केसेस आ चुके हैं, और ये गवर्नमेंट का डेटा है 80। असल में कितने हैं पता नहीं, 80 हो भगवान करे, भगवान करे 80 हो और ये सब बातें बकवास हो, पर जो बाकी देशों के साथ हुआ है, अगर हम अपनी आंख खुली रखें तो 80 से ज्यादा केसेस होंगे इंडिया में, बिल्कुल होंगे। तो हमें यहां पे घबराना नहीं है, हमें यहां पे, हमारा मकसद यहां पे इस ग्राफ को ऊपर जाने से रोकना है, और वो हम कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें सोशलाइज करना बंद करना होगा, बाहर जाना बंद करना होगा, सारी एक्टिविटीज रोकनी होगी, घर पे रहिए। सबसे बड़ा जो आप यहां पे कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं अपने खुद के लिए और सोसाइटी के लिए, वो ये है कि आप घर पे रहिए, राशन ले आइए 15 दिन का और घर पे रहिए। ये बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। हम पर ये चाहते हैं कि अगर इंडिया का हेल्थ सिस्टम यहां है, मान लीजिए कि ये है हमारा इंडिया का हेल्थ सिस्टम, तो हम चाहते हैं कि ये कोरोना वायरस हेल्थ सिस्टम को हमारे क्रॉस ना करे। गवर्नमेंट, आपने न्यूज में देखा होगा, मीडिया कहती है क्या इंडिया तैयार है कोरोना वायरस से लड़ने को, क्या हमारे पास इंतजाम है कोरोना वायरस से लड़ने को। वी डोंट वॉन्ट टू चेक दैट आउट, वी डोंट वॉन्ट टू चेक दैट आउट, गॉड डैम इट। हमें चेक ही नहीं करना है कि ये ग्राफ यहां जाएगा तो क्या होगा, हु वॉन्ट्स टू चेक दैट, आई डोंट। नीचे के नीचे रखना है, अगर हमें इस ग्राफ को नीचे के नीचे रखना है तो हमें सोशलाइज करना बंद करना होगा आज अभी, नहीं तो ये ग्राफ ऊपर जाएगा। हम नहीं चाहते कि ये ग्राफ जैसा दूसरे देशों में हो रहा है, जैसा इटली में हुआ, जैसा ईरान में हुआ, जैसा चाइना में हुआ, और जैसा अमेरिका में हो रहा है। अमेरिका वही गलती कर रहा है, अमेरिका में कम केसेस थे कोरोना के, उनको लगा कम केसेस है ये तो फैलेगा ही नहीं, और इंडिया में हम भी वही गलती कर रहे हैं, हमें लगता है 80 ही तो केसेस हैं, ज्यादा थोड़ी हैं, ये नहीं बढ़ेगा इंडिया में, नहीं बढ़ेगा। हमें वो गलती नहीं करनी है जो बाकी देश कर रहे हैं। अगर 80 केसेस हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि 80 हैं, 80 से ज्यादा हैं, कितने हमें पता नहीं है, पर हम क्या कर सकते हैं, हमारे कंट्रोल में क्या है कि हम बाहर जाना बंद करें। तो ये ग्राफ ऊपर जाएगा कि नहीं मुझे नहीं पता, एंड आई डोंट वॉन्ट टू फाइंड आउट, आई डोंट वॉन्ट टू फाइंड आउट वेदर दिस हैपन्स और नॉट, एंड नीदर डू यू गाइज। आपने न्यूज में देखा होगा, वो भाई साहब तो कह रहे थे कि 3.5% का रेट है तो चिल है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि 3.5% का अगर रेट है तो ये सिस्टम को ब्रेक करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये कर्व जो है वायरस का, ये एक्सपोनेंशियल कर्व है, ये लीनियर कर्व नहीं है। एक्सपोनेंशियल का मतलब चीजें यहां सीधा डबल होती हैं, ऐड नहीं होती हैं, 80 के बाद 90 नहीं होगा, 80 के बाद सीधा 200 होगा, और ये बढ़ते देर नहीं लगेगी, हालात बद से बदतर होने में देर नहीं लगेगी अगर हमने यहां पे बिल्कुल भी केयरलेसनेस करी तो। हमने, आपने और मैंने, गवर्नमेंट ने नहीं, जितने भी कंट्रीज में अभी तक कोरोना वायरस फैला है, 0.5 से लेके 4% तक उसका मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि जितने लोगों को कोरोना वायरस हो रहा है उसमें से 0.5 से 4% लोगों की डेथ हो जा रही है उससे। तो इतनी बड़ी रेंज क्यों है, इतनी बड़ी रेंज इसलिए है क्योंकि अगर आपने पहले कंट्रोल कर लिया कोरोना वायरस को, यानी कि अगर आपने ग्राफ नीचे रख लिया, आप कामयाब हो गए, तो आपका हेल्थ सिस्टम देखभाल कर ले रहा उन लोगों की, और यहां पे रेट रहेगा आपका 0.5 से कम,
पर अगर आप लोगों ने कंट्रोल नहीं किया, आप लोग बाहर गए, अगर आपको इन्फेक्ट नहीं हुआ पर आपके कारण किसी और को हो गया, यू विल नेवर नो, यू विल नेवर नो। ये वीडियो बनाने से पहले मुझे लग रहा था कि कितने लोग कहेंगे कि यार तू फिटनेस कोच है, फिटनेस मेरा है, वाई आर यू गेटिंग इनटू कोरोना वायरस एंड गवर्नमेंट एंड ऑल। बट ये वीडियो मुझे आज बनाना ही था। अगर ये ग्राफ ऊपर जाता है, खुदा ना खास्ता जाए, पर अगर ये ग्राफ ऊपर चला गया तो आई डोंट वॉन्ट टू लुक इन द मिरर एंड से कि जो मैं कर सकता था एक हफ्ते पहले वो मैंने नहीं किया। आई डोंट वॉन्ट टू बी द गाय लुकिंग इन द मिरर एंड से कि मेरे कारण कुछ ना कुछ मेरे कारण यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है। एंड आप भी वो इंसान नहीं होना चाहते हैं जो जब ये तबाही मचे तो आप खुद को शीशे में ना देख पाएं कि यार मैंने स्टेप्स नहीं लिए थे, मैंने कहीं ना कहीं मेरे कारण कुछ ना हो रहा हो। सो इंडिविजुअल लेवल पे यहाँ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज हमारी बनती है। बहुत ज़्यादा तबाही मच गई है गाइस इटली में, ईरान में और चाइना में। हमें उनसे सीखना चाहिए। पैनिक नहीं करना है, हमें समझना है, वी आर ग्रोन अप्स। तो मैं कह रहा था कि अगर हमने यहाँ पे सावधानी बरती और ये कर्व को हमने नीचे रख लिया तो 0.5% के रेट पे हम ऑपरेट कर सकते हैं। पर अगर हमने यहाँ बिल्कुल भी एहतियात नहीं बरता, हम लाइट लिए कि यार 80 तो कैसे नहीं बढ़ेगा, ये बढ़ते देर नहीं लगेगी, रातों रात बढ़ जाएगा और यहाँ पे जब सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा सो हॉस्पिटल भर जाएंगे। इटली में फिलहाल ये हालत है कि जिन लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनके लिए जगह ही नहीं हॉस्पिटल में, उनके लिए तो जगह ही नहीं है हॉस्पिटल में। तो अगर हमने सिस्टम कोलैप्स होने दिया तो यहाँ मोर्टैलिटी रेट 4% से ज़्यादा का भी हो सकता है, 4% का भी हो सकता है। सो गाइस डोंट पैनिक, बट रियलिटी जानिए, रियलिटी से दूर मत भागिए, बट बाहर जाने से कतराइए। बहुत ज़रूरी काम है तब जाइए और सारे एहतियात बरतिए, किसी भी चीज़ को बेवजह हाथ मत लगाइए और घर आते ही हाथ अच्छे से धो लीजिए, अच्छे से धो लीजिए हाथ। सोशलाइज मत कीजिए 10-15 दिन। जिम जाना, सब जिम विम तो सब बंद हो ही गया है, तो अच्छा हुआ बंद हो गया, अच्छा हुआ सब बंद हो गया। हाथ मत मिलाइए, किस मत कीजिए, हग मत कीजिए, दूर से नमस्ते कीजिए। ऑल्सो एक बात जो मुझे लगता है ज़्यादा जगह कवर नहीं हो रही है पर मुझे मेरे दिमाग में आज सुबह आई, अगर आपके घर में मेड है, कुक है या ड्राइवर है तो उन्हें कहिए एक तो एहतियात बरतने को और उन्हें आप 10 दिन की छुट्टी भी दे सकते हैं, बिकॉज यू आर ओनली एज सेफ एज योर कुक इज और एज सेफ एज योर ड्राइवर इज और योर मेड इज। गाइज घर में जब आग लगती है तो हमें बाहर निकल जाना चाहिए, हमें आग पे पट्टी नहीं लगानी चाहिए, पर आज घर में आग नहीं लगी है, आज बाहर आग लगी है, तो हमें घर में रहना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको रियलिटी का थोड़ा एहसास हुआ होगा। चीज़ों को बद से बदतर होने में टाइम नहीं लगता है पर हम कंट्रोल कर सकते हैं और टुडे नाउ इज़ द टाइम। मैं 100 बार बोल चुका हूँ शायद इस वीडियो में, बट 100 बार भी कम है। प्लीज़ आपके जितने भी लोग आपके इन्फ्लुएंस में, अपने मम्मी पापा, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, सबको इन्फॉर्म कीजिए, सब में अवेयरनेस बढ़ाइए, जिसके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।